हाय गाइस, मैंने सारे वो मैकेनिकल कीबोर्ड्स खरीद लिए जो लोग गेमिंग के लिए यूज कर रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर कुछ तो ऐसे हैं जिनके बहुत सारे रिव्यूज है और वो अच्छे नहीं है कंपटीशन के हिसाब से। आज सारा खुलासा करते हैं। तो गाइस, सारे मैकेनिकल कीबोर्ड्स मैं टेस्ट कर चुका हूं और यहां पर मैंने कुछ टेक्निकल चीजों की वजह से यहां पर इनको वर्स्ट टू बेस्ट में रखा है। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मैंने स्विच देखा है कौन से इनके अंदर, फिर मैंने जो है घोस्टिंग देखा है कि कितनी कीज इकट्ठे प्रेस हो सकती है, और साथ में मैंने जो है बिल्ड क्वालिटी को भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी है। ये सारी बातें जो है गेमर के लिए या फिर नॉर्मल यूजर के लिए भी बहुत मैटर करता है। और हाँ, एक ट्रू आरजीबी लाइटिंग तो भाई बोनस होता है। तो नंबर 5 रैंकिंग मैंने दी है क्वांटम QHM9800 को। इसको लास्ट में रखने का रीजन ये है कि यहां पर इसके स्पेस बार वाली की में जो है डेंट आया, ऊपर से बिल्ड क्वालिटी भी अप टू द मार्क नहीं है, और अगर मैं वायर की बात करूं जो कीबोर्ड की है वो भी ब्रेडेड नहीं थी। और ये बड़ी बात इसलिए क्योंकि 2000 रुपए का कीबोर्ड है यार, ये हद कर दी क्वांटम ने तो। और स्विचेस की बात करो तो B23 ब्लू स्विचेस मिलते हैं यहां पर, जो कि बहुत चीप माने जाते हैं इस मैकेनिकल कीबोर्ड इंडस्ट्री में। इनफैक्ट मैं इसका ना स्पेस बार को भी प्रेस कर रहा था, अच्छा फीडबैक नहीं है यार ये। और सबसे बड़ा रीजन मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा क्योंकि इसके अंदर घोस्टिंग इशू है। मैंने 8 कीज दबाई, उससे ऊपर नहीं जा रहा था यार, तो मतलब 8 की रोल ओवर तो है। बस देखो, ऑप्टिमिस्टिक होके बोलो तो इस कीबोर्ड में एक ही बात अच्छी लगी है कि इसकी आप स्विचेस को भी निकाल के रेड या ब्लू में आप चेंज कर सकते हो, बाकी और मुझे ये ऑप्शन नहीं मिला है। तो वैसे जो है ना, ओवरऑल पैकेज देखते हुए चलूं तो नॉट रिकमेंडेड, मत खरीदो यार इसे। अगर आप पहली बार ये वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं, मैं हर एक गैजेट के लिए सीरीज ला चुका हूं, चाहे वो नेक बैंड हो, ब्लूटूथ हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन भी प्रेस कर लो, बहुत हेल्प होगी आपकी बाइंग में। नंबर 4 पे आ जाता है एंड ईस्पोर्ट्स की तरफ से MK1300 मिनी कीबोर्ड। वैसे इस कीबोर्ड के अंदर मजेदार बात यह है कि ये सिर्फ 60% फॉर्म फैक्टर में आता है, बहुत छोटा सा कीबोर्ड है यार ये। ऊपर से यहां पर हमें टाइप सी केबल भी मिल जाती है, तो अगर आपने फोन के साथ कनेक्ट करना चाहो तो वो भी पॉसिबिलिटी है। टाइप सी मुझे बहुत चीज लगी यार इसके अंदर, देखो डिटैच भी हो जाती है, और तो और केबल भी इन लोगों ने ब्रेडेड दी है, तो बहुत अच्छा ट्रेवलिंग सा पैकेज लग रहा है। और क्योंकि इस कीबोर्ड के अंदर ओटेमू ब्लू स्विचेस है जो कि डिसेंट स्विचेस में से एक आता है, तो मुझे लाइक ये ओके लग रहा है, जैसे कि मैं बोलूंगा पोर्टेबल है यार ये। और इस कीबोर्ड में जो है ना 14 लाइट मोड्स है, और यहां पर भी जो है रेनबो LED लाइट मिलती है, तो आपको फिक्स सा मिलेगी लाइटिंग। और फॉर सम रीजन जो इसकी विंडोज की है उसमें लाइट नहीं चल रही भाई, और ये 2100 रुपए का है। और गाइस, इस कीबोर्ड में ना फीट भी नहीं है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है यार टाइप करने में, ऊपर से फुल प्लास्टिक बॉडी है, शायद टेबल रखने के लिए प्लास्टिक रखा होगा। लेकिन मजे की बात ये है कि ये कीबोर्ड जो है फुल एंटी घोस्टिंग है, कितनी भी मैं कीज प्रेस कर रहा था लाइक मस्त रजिस्टर हो रही थी। बट मैंने एक चीज नोटिस की है टाइपिंग करते समय कि क्योंकि इसको फॉर्म फैक्टर छोटा बनाया ना, तो बड़ी पास पास थी यार कीज, वो थोड़ा सा लाइक इरिटेटिंग पार्ट लग रहा था। मेरी बात को समझना, इसको इतना छोटा करने की कोशिश करी है कि एरो कीज नहीं है इसके अंदर, अगर आपको वो यूज करनी है तो FN की दबाकर करना पड़ेगा, जो कि लाइक डे टू लाइफ में इसको वियर्ड बना देता है। लेकिन मैं इसको वर्स्ट नहीं बताना चाहूंगा, आप स्टिल इसको खरीद सकते हो अगर आपको मैकेनिकल कीबोर्ड पोर्टेबल चाहिए हो, जो कि सच्चे में बहुत छोटे फॉर्म फैक्टर में आता है। हाँ, बहुत मतलब स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए है, बट प्रोडक्ट थोड़ा सा लाइक मिक्स्ड बैग है। नंबर 3 पे आता है कॉस्मिक बाइट की तरफ से CBGK26 कीबोर्ड, और इस पूरी लिस्ट में सबसे अफोर्डेबल है, 1500 रुपए में मिल जाता है, और एक्चुअली में अच्छा पैकेज है क्योंकि इस कीबोर्ड में जो है ना ओटेमू रेड स्विचेस है। वैसे इसका ब्लू स्विचेस वाला वेरिएंट भी आता है बट वो हमें मिला नहीं, तो मेरे हिसाब से डिसेंट स्विच होने के बाद और फीडबैक जो है मेरे को अच्छा लगा। और अगर आपने नोटिस किया हो तो ये 10 कीलेस फोम फैक्टर के साथ आता है, मतलब कि जो नंबर वाला एरिया इसके अंदर नहीं है, थोड़ा सा छोटा बनाया इसको। इनफैक्ट ड्यूरेबिलिटी की भी बात करो ना, सॉलिड फील होता है ये, बट जो यहाँ पर केबल है ना वो PVC है, बट यार 1500 रुपए में यार मेरे हिसाब से मैं इसको कंप्लेंट नहीं बताना चाहूंगा। एक बार इसकी आवाज सुनो, क्योंकि रेड स्विच है ना तो कम आवाज करता है। खैर, ये वाला कीबोर्ड भी जो है रेनबो LED लाइट्स के साथ आता है, तो जो फिक्स लाइट है वो ठीक है, बट इसके अंदर 20 हमें लाइट मोड मिल जाते हैं, तो आप अलग अलग तरीके से मस्त इसको दिखा सकते हो। एक बात मैंने नोटिस की, जो इसके फीट है ना वो थोड़े से लोअर साइड पे है, थोड़े से और ऊंचे होने चाहिए थे तो बेटर फीडबैक मिलता मुझे कीबोर्ड का। और इसमें भी जो है फुल की एंटी घोस्टिंग है, आप कितनी भी कीज प्रेस करो वो दिक्कत नहीं देगा। मैं तो ये बोलूंगा गाइस, अगर आप पहली बार कोई मैकेनिकल कीबोर्ड खरीद रहे हो तो आप इसकी तरफ देखो, क्योंकि 1500 रुपए की वैल्यू में आ रहा है और सच्ची में बहुत सही है। हो सके तो ब्लू स्विचेस लेना, उसका ज्यादा मस्त फीडबैक होता है, नहीं तो रेड स्विचेस भी बुरे नहीं होते। मुझे पसंद आया, रिकमेंडेड है क्योंकि अफोर्डेबल है ना। नंबर 2 रैंक पे आता है ये, 2400 रुपए का मिलता है, रेड गियर शेडो ब्लेड इसका नाम है, और गाइस मेरा ये पर्सनल फेवरेट है यार। इसके अंदर सब कुछ ही मिलता है, नीचे की तरफ हमें पाम रेस्ट मिल जाता है, इसके फीट भी मुझे बहुत अमेजिंग लगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से स्लांट हो रहा है, और मुझे इसका पर्सनली फीडबैक बड़ा सही लगा है। और ये लोता कीबोर्ड है जो कि वॉल्यूम नॉब के साथ आता है और आप प्ले पॉज भी कर सकते हो, ये मुझे बहुत हैंडी फीचर लगा था। इनफैक्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है गाइस, काफी ज्यादा
सॉलिड है, ऊपर से ब्रेडेड वायर है, काफी अच्छा लगता है भाई, प्रीमियम सा फील हो रहा है। और इसमें भी जो हमें ब्लू स्विचेस मिलते हैं, लेकिन यार कंपनी स्पेसिफाई नहीं की इन लोगों ने, बट हाँ फीडबैक इंपॉर्टेंट होता है जो कि अच्छा है। और इस कीबोर्ड में भी रेनबो एलईडी लाइट है और 22 लाइट मोड मिल जाते हैं, तो बहुत सारे इफेक्ट आ जाते हैं भाई। अच्छी बात तो ये कि इस कीबोर्ड का ना डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर है, जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है अपने, तो आप अपनी कीज कस्टमाइज कर सकते हो और लाइट मोड अपनी ऑन स्क्रीन ही चेंज कर सकते हो कंप्यूटर से ही। अच्छी चीज लगी है मेरे को। इनफैक्ट टाइपिंग के लिए भी अच्छा है और गेमिंग के लिए भी अच्छा है, क्योंकि फुल एंटी घोस्टिंग मिल जाती है कितनी भी कीज प्रेस करो। यार ये एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि ये फुल साइज कीबोर्ड है, यहाँ पर नम पैड भी मिलता है, सच्ची में की ट्रेवल वगैरह सब कुछ बहुत अमेजिंग है। तो कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है, 2400 रुपए में भाई ओवरलोडेड मुझे फील हुआ, जो वॉल्यूम नॉब है, ऊपर से पाम रेस्ट, अच्छा कीबोर्ड है यार, मैं तो सच्ची में यही खरीदता मुझे, क्योंकि मस्त फीचर अच्छे लगे। नंबर वन कीबोर्ड है कॉस्मिक बाइट CBGK16। और गाइस ये कीबोर्ड मुझे बहुत अमेजिंग लगा है, क्योंकि 2150 रुपए में ये बहुत सही वैल्यू लेकर आता है। इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो 10 कीलेस वाला है, मतलब नंबर वाला एरिया नहीं है, लेकिन ओटेमो के यहाँ पर ब्लू स्विचेस मिलते हैं। इसकी एक बार आवाज सुनो। मैं इतना बता सकता हूं कि गाइस फीडबैक बहुत अमेजिंग है, मुझे सच्ची में बेस्ट लगा है। इनफैक्ट इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत सही लगी है, क्योंकि ब्रेडेड वायर भी मिल जाती है और ये सच्ची में बिल्कुल टैंक की तरह बिल्ड करा हुआ है, काफी सॉलिड मुझे ये लगा है। पूरा मेटेलिक फील जो होती है ना नीचे वाली प्लेट की, वो है। फिर से रिपीट करूंगा, 2150 रुपए का। और ध्यान देना ये सिर्फ अकेला कीबोर्ड है पूरी लिस्ट में जो ट्रू RGB के साथ आता है, मतलब आप हर एक की को जो अपने हिसाब से लाइक असाइन कर सकते हो कलर और बहुत तरीके के पैटर्न बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 11 मोड्स है इसकी लाइट के। और ऑब्वियसली नंबर वन पे है, तो यहाँ पर फुल एंटी घोस्टिंग भी मिल जाता है कितनी भी कीज प्रेस करो। यार मैंने खुद टेस्ट किया है, बहुत लंबे समय तक इसको यूज किया है, मुझे सच्ची में अच्छा लगा यार। इन शॉर्ट ये सुपर वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड में से एक है, अगर आप टाइपिंग करते हो या फिर गेमिंग करते हो मैं कहूंगा गो फॉर इट यार, ये बहुत अच्छी वैल्यू लेकर आता है। आई होप यहां पर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लिस्ट खत्म हो जाती है। और कोई कीबोर्ड मैंने अगर छोड़ दिया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो अपना रिव्यू, बाकी लोगों की हेल्प होती है भाई। ये जो हमारी वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज होती है सुपर पॉपुलर है इस चैनल पे, अगर आप कुछ भी खरीदने का प्लान कर रहे हो तो वर्स्ट टू बेस्ट सीरीज मेरी देख ही लिया करो। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो आप यहां से और यहां से देख लो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रांड में को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।